बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी साइंस टीचर आसमा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 4, मैटर एंड चेंज इन इट्स स्टेट्स। लॉन्ग क्वेश्चन, Why is it difficult to compress any solid? क्यों मुश्किल है to compress करना any solid, किसी भी ठोस चीज को? Why is it difficult to compress any solid? किसी भी ठोस को सिकेना मुश्किल क्यों है? आइए इसका आंसर देखें। Solid have a definite shape occupy definite space so it cannot be compressed. Solid have definite shape occupy. ठोस वाजिया शक्ल रखता है, definite space so और जगह घेरता है, it cannot be इसलिए ये cannot be compressed सिकेड़ता नहीं है। Solid have a definite shape, occupy definite space, so it cannot be compressed. ठोस वाजिया शक्ल रखता है और जगह घेरता है, इसीलिए किसी भी ठोस को सिकेड़ना मुश्किल है। और ये सिकेड़ नहीं सकता है, इट कैनॉट बी कंप्रेस्ड और इसको ये सिकुड़ नहीं सकता है। क्वेश्चन, व्हाई इज इट इजी टू पोर अ लिक्विड? माया को डेलना आसान क्यों है? आइए इसका आंसर देखें। लिक्विड इज इजी टू पोर, माया यानी कि लिक्विड को डेलना आसान है, बिकॉज क्योंकि इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूडिटी, क्योंकि पतला होता है, पतला होना इसकी सिफ्ट है, विच मीन इट कैन फ्लो, डैट इज वाई लिक्विड इज इजी टू पोर। ये बहता है, इसलिए माया को डेलना आसान है। लिक्विड इज इजी टू पोर बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूडिटी, विच मीन इट कैन फ्लो, डैट इज वाई लिक्विड इज इजी टू पोर। माया को डेलना आसान इसलिए है क्योंकि ये पतला होता है, पतला होना इसकी सिफ्ट है, और ये इसकी एक ये बहता है, इसलिए माया को डेलना आसान है। स्टूडेंट्स, आप सबने आज के इस लेक्चर को अच्छे से रिव्यू करना है और फिर इसका क्विज सॉल्व करना है। अगर आज के लेक्चर में आपको कुछ समझ ना आए या फिर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, जिसका आपको फौरी तौर पर जवाब दिया जाएगा। कल इंशाल्लाह इस लेक्चर से रिलेटेड हम आपको कुछ क्विज देंगे जो आपने सॉल्व करने होंगे। स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।